तो दोस्तों आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है जो प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी को सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। किसे? राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है तो इसमें क्या है कि गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा कहाँ पर है? गोदीबाड़ा है लोथल में। ठीक है, महास्नानागार यह है मोहनजोदड़ो में, जूते हुए खेत यह है कालीबंगा में, सॉरी जूते हुए खेत यह कालीबंगा में, और श्रमिक आवास, तो श्रमिक आवास है हड़प्पा में। ठीक है, तो ये आपकी मिलान हुई और इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे बता देता हूँ, देखो अ में डी आंसर है, जैसे गोदीबाड़ा है जिसमें लोथल। ठीक है, गोदीबाड़ा कहाँ पर है? लोथल में। महास्नानागार है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और जूते हुए खेत कहाँ पर है? तो जूते हुए खेत है कालीबंगा में। और श्रमिक आवास है जो कहाँ पर है? तो श्रमिक आवास है हड़प्पा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी, तो कौन सी थी? कांसा। ठीक है, कांसा धातु है जो सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी, कौन सी? कांसा धातु। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी? नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन है जो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी? नगर नियोजन। अगला सवाल है कि सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे, तो सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे किसकी? विष्णु की। ठीक है, विष्णु की उपासना नहीं करते थे कौन? सिंधुवासी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सैंधववासी किस धातु से अपरिचित थे, तो वह थे लोहा धातु से। ठीक है, लोहा धातु से अपरिचित थे कौन? सैंधववासी। ठीक है, सैंधववासी है जो लोहा धातु से अपरिचित थे। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे, तो यह आयात करते थे धातु एवं बहुमूल्य रत्न का। ठीक है, धातु एवं बहुमूल्य रत्न का सर्वाधिक आयात करते थे कौन? सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग है जो धातु एवं बहुमूल्य रत्न का सर्वाधिक आयात है जो करते थे। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, और इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है, तो इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, और इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है, तो आपको याद रखना है यह मिलता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला सवाल है कि धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं लोथल एवं रंगपुर से। ठीक है, लोथल एवं रंगपुर से धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, तो घोड़े के अवशेष पाए गए हैं सूरकोटड़ा से। ठीक है, सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष है जो पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? सूरकोटड़ा से। इसे जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर होगा हड़प्पा कर्मचारियों के निवास लोथल है जो गोदी, और कालीबंगा जो हैं वह है जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो जिसे प्राप्त हुई है नर्तकी की आकृति। क्या है वापस देख लेते हैं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, जिसमें वापस से देख लेते हैं कि हड़प्पा है जो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, कर्मचारियों के निवास प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है गोदी। ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। ठीक है,
मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है नर्तकी की आकृति। ठीक है, तो आपको याद रखना है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति था राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी है जो मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति था। कौन था? राखलदास बनर्जी। अगला सवाल है कि हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा से वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है तो बता देता हूँ। धोलावीरा से प्राप्त हुआ एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था। ठीक है, एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था है जो धोलावीरा से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो वह थी दालें। ठीक है, दालें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। क्या नहीं की जाती थी? दालें। अगला सवाल है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम दिया। तो सर्वप्रथम किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक है, तो मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम है जो सर्वप्रथम दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने। अगला सवाल है कि हड़प्पा नगर में R37 था। तो R37 क्या था? सामूहिक कब्रिस्तान। ठीक है, सामूहिक कब्रिस्तान था, जैसे क्या कहते थे हड़प्पा नगर में R31 था। ठीक है, जैसे जो क्या था? सामूहिक कब्रिस्तान था। अगला सवाल है कि हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों के आकार का अनुपात था। तो आकार का अनुपात था 4:2:1। ठीक है, 4:2:1 जो हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों का आकार था, कितना था? 4:2:1। अगला सवाल है कि यह स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सर जॉन मार्शल ने यह कथन किस हड़प्पा सभ्यता नगर के स्नानागार के विषय में कहा है। तो यह कहा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता नगर के स्नानागार के विषय में कहा है। वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि यह स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ठीक है, यह स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सर जॉन मार्शल ने यह कथन किस हड़प्पा सभ्यता नगर के स्नानागार के विषय में कहा था। तो यह कहा था मोहनजोदड़ो के स्नानागार के विषय में कहा था। क्या कहा था? यह स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। और यह किसने कहा था? तो यह कहा था सर जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, किसके संबंध में कहा था? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के विषय में कहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि थी भावचित्रात्मक। ठीक है, भावचित्रात्मक है जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।